एक ग्राम पंचायत में डॉक्टर कुमार मीणा ग्राम शिविर लगा हुआ है, तो हमने उसकी ट्रांसफर दो तीन बार करवाई, स्टिल लागे आ जाता था। अभी हमने 1 नवंबर में सीओ साहब द्वारा, पंचायती राज मंत्री द्वारा उसको ईवीओ करवाया गया था, वो आदेश ला करके हमने सीओ साहब को दिया, सीओ साहब ने वो आदेश कर दिया था, बी डी साहब को भेज दिया, लेकिन बी डी ओ साहब ने उसको नहीं 7-10 को उसको ईवीओ किया। जब तक था ये बी डी साहब वो ऑर्डर रोक करके बैठे रहे, और हमारे गांव की बहुत समस्या है, हमारा जो जितना सारिज है वो उसके क्वार्टर में रखे गया है, किसी हमें दूसरा वो किसी को लगाया उसका, हमारे को वो सारिज अभी तक नहीं दे रहा है, और उसी को वो ये बी डी ओ साहब अपने जाति का होकर के उसको बचा रहे हैं। बी डी साहब भी मीणा है, वो भी मीणा है, जाति का होकर के उसको बचा रहे हैं। जो हम कोई 8 बार यहाँ सूखे हैं, लेकिन यही हमारा आश्वासन मिल जाए कल हो जाएगा आपका काम, न तो उसको निलंबित कर रहे हैं, न सारे जिलवा रहे। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज हमारे को ये आश्वासन मिला है, निलंबित आज किया है, हमारे को कॉपी दी गई है बी डी साहब ने निलंबित करके इसकी कॉपी, और कहा है मैं 2 दिन में वो कॉपी उसको भेज कर पुलिस कार्रवाई करूंगा, और आपको सारी 2-3 दिन में दिलवा दूंगा। कार्रवाई नहीं होती फिर आगे आपका क्या कदम रहेगा? अब हमारा धरना होगा, हम 2 दिन देखते हैं, नहीं हमारा फिर 24 तारीख को मतदान के उसको बहिष्कार करेंगे, और हमारा पंचायत के आगे धरना होगा, हमारा ये हमारा कार्रवाई है, और ये हमारा अगला कदम है। सर, ये जो ग्राम सेवक वाला क्या मामला था अहमदाबाद का? देखिए, ग्राम सेवक का ऐसा था कि डॉक्टर को मीणा ग्राम से जुम्मेदार लगा हुआ था, श्रीमान सिरसर महोदय द्वारा उसको एपीओ किया गया। एपीओ करने के पश्चात आदेश जैसे मुझे मिला उसका मुख्यालय मैंने साइला किया, साइला मुख्यालय करने के पश्चात वह आदमी यहाँ पर उपस्थित हुआ, उसने अपना मेडिकल केस किया, मेडिकल केस करने के पश्चात वो स्थगित आदेश के चक्कर में घूम रहा था, लेकिन उसे स्थगित आदेश नहीं मिला। उस पश्चात उसके द्वारा यहाँ ज्वाइन की गई पंचायत में, ज्वाइन करने के पश्चात लगातार 5-6 दिन उपस्थित थे उसने, उसके पश्चात जैसे नेपाल का त्यौहार आया वो यहाँ से चला गया बिना किसी छुट्टी के भी। मेरे द्वारा कहा गया था कि वर्तमान में इलेक्शन है, आपको छुट्टी मेरे द्वारा नहीं दी सकती, संबंधित आर ओ से या उनके प्रतिनिधि से छुट्टी लेकर जाए, उनके द्वारा छुट्टी ली गई या नहीं ली गई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज तक वो अभी तक आए नहीं। मेरे द्वारा बार बार मौके कहने के पश्चात भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जिसके चलते आज उनको निलंबित करना पड़ा। ग्रामीण अपेक्षा का आरोप है कि मीडिया साहब की सह है डॉक्टर कुमार मीणा। नहीं, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने में तो क्या है, जैसे मैं मीणा हूँ मीणा है ये भी आरोप है, लोगों का कहना है, लेकिन यदि मैं उनका पक्ष लेता तो मैं ग्राम से ये कहता कि भाई आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लो, मैं इतनी कार्य एक्शन क्यों लेता। मतलब अभी वहाँ किसको लगाया गया है? अभी वर्तमान समय में जब केशव सिंह का हमने आदेश किया था और मैंने स्पष्ट कहा था कि भाई इलेक्शन तक आपको रखेंगे, उसके पश्चात ग्राम से काफ़ी संख्या में तो नहीं लगाएंगे, केशव सिंह द्वारा महीना भर रहने के पश्चात किसी बात को लेकर उसने मुझे ये कहा कि सर मुझे मतलब मैं कार्य नहीं करना है और इसलिए मुझे यहाँ से हटा दे, मैं ऐसी गंदी राजनीति में पढ़ना चाहता नहीं हूँ, ये उनके कहना था। मैंने कहा आप 25 तारीख से संभालो, उन्होंने मना स्टीव कर दिया। मैंने एस टी साहब को बताई सर ऐसी बात है, लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। एस टी साहब ने मुझे मौके कहा कि डी साहब किसी ऐसे व्यक्ति सुनी व्यक्ति को लगा दो ताकि वहाँ पर ऐसी घटना न घट सके। ग्राम पंचायत उसी को लेकर मैंने यहाँ पर जो मदन खान ग्राम से जो प्रतिनिधियों पे बाहर लगे थे नून लगे थे वो आए थे यहाँ पर, उनको लगाए। मुझे लगा कि वो पंचायत में कार्य थे वर्तमान में और पुराना अनुभवी आदमी है और बड़े पंचायत में होने के कारण मदन खान का हमने ऑर्डर किया है। मदन खान के द्वारा शनिवार को कार्यक्रम कर लिया गया था, उसके पश्चात क्योंकि अभी हमने स्टार्ट से जो हमारा प्रोग्राम था जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना रखे उनकी मीटिंग थी उसमें भी उत्तर करती थी, तो आज शायद वो सापाड़ा केसवना आला सिंह गए थे, उसके पश्चात वो शायद उम्मीदवार आए होंगे, उसके अभी उनसे कोई बात हुई नहीं है। उनको सारिश भी नहीं दिया जा रहा है, सारिश नहीं दिया जा रहा ग्रामीण का आरोप है कुमार मीणा द्वारा। नहीं, बात चार्ज देने के लिए ये तो ऐसा है कि भाई चार्ज अगर नहीं देना चाहता तो उनके ऑर्डर पे जो बैंक में हस्ताक्षर भेजे हैं, जन्म मृत्यु की आईडी उनके अप्रूव करके हमने, जो भी जन्म दर्द की आईडी सब मैप करके हमने, वो तो सब प्रिंट चल रहा है, उसके लिए तो उन्होंने पेमेंट भी किया यहाँ पर। रही बात पुराना रिकॉर्ड की थी जो वर्तमान में से कैश बुक चालू थी, जो मैंने डॉक्टर मीणा को पूछा कि आपकी ये चीज़ का है, तो उसने बताया कि संबंधित रिकॉर्ड मेरा ऑडिट में रखा हुआ है, जैसे ऑडिट थे मेरे द्वारा चार्ज ये दिया जाएगा, लेकिन ग्राम विकास के डॉक्टर मीणा की लापरवाही कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई। आप मानते हो कि गंभीर लापरवाही? लापरवाही तो है, जब एक अधिकारी को कहना नहीं मान रहा है,
मैं कॉल कर चुका हूँ, नोटिस निकाल चुका हूँ, उसके पश्चात ही मान रहा तो लग रही है। अभी तक आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उनको दो नोटिस जारी किया है, क्योंकि पहले डायरेक्ट जुर्म कर सकते नहीं, नोटिस जारी करना जरूरी होता है। मेरा मौके पर बताया गया, कहा गया कि आप आगे ये चार्ज काम करें, जब उन्होंने अंत तक आज तक जब नहीं कार्य किया तो उनको निलंबित करना पड़ा। अभी भी गांव में ही रह रहा है और राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, इससे माहौल भी बिगाड़ा सरकारी कर्मचारी ने। मुख्यालय सीमा द्वारा यहाँ किया गया था, वो अभी दो चार दिन से मुख्यालय पे भी नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है, राजनीति कर रहा है। उनका आपसे अनुरोध ये है कि उसको तुरंत निलंबित किया जाए, और सीमा द्वारा जो परसु एक आपने चार्ज दिया ग्राम सेवक को, वो कौन मंडल जो भी है उसमें भी आचार संहिता कैसे सी है। हमारा गांव वालों का अनुरोध यह है कि कैसे सी को यथास्थिति रखा जाए। आपने उम्मीद कर दिया, ठीक है। पहली बात तो आपको कह दूं मैं कि जो ग्राफ से उसने जो यहाँ मुकेश गायब है उसको मैंने कर दिया है, ठीक है ना। यही बात दूसरी, खुद केशव सिंह ने कहा, मैंने उसको कहा था कि भाई जो भी ग्राफ से मिलेगा वहाँ पर इंतजार मिलेगा वो इलेक्शन करेगा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ से बहुत बैठे तीन नेक्स्ट ग्राफ से, इसलिए उसको कह दिया केशव सिंह को, मैंने भी आपको रहना है इलेक्शन रुकेगी आपको। पूरा बोल दिया कि मुझे गाँव में रहना नहीं है, मेरे अलावा किसी को चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे अच्छा ग्राम सेवा वो लगा दिया जाए, और कुमार के खिलाफ जो भी दस्तावेज है FIR दर्ज करानी है, सिविल तौर पर काम किया जाए, रही बात न्याय दिलाया जाए गाँव वासियों को, रही बात देखा करने की। उसको अच्छे से लगी हुई है, यहाँ से मांग सकते हैं, सिविल साहब को लेटर पत्र भेजेंगे सुबह, हम पत्र से क्या उनका जवाब आता है कि अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है, रिकॉर्ड फर्म किया है तो आपका जो एरिया होगा ना, वो जो भी जैसा क्या हो सकता है ना सर। बिल्कुल, हमने इसके लिए बात से मांग लिया है, ये साहब से CEO साहब के बाद कह देंगे।